All right, so let's see who's next. Chanakya, here you go. I hope you are here. Love means twinkle. Bharat. Hi, Chanki, what's up? वो I'm good. हिरिंग You're मेरा good? नया स्टाइल विच पाब्लो एस्कोबार की तरह आई मेड मुस्टैच. Looking good, looking refreshing. थैंक्स. That's आजकल nice. यू हैव चूजन रियली कंट्रोवर्शियल. यार बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है एक्चुअली. वही मैं देख रही हूँ, काफी लोग लाइव हैं और सबके अलग अलग व्यूज हैं. प्यार मेरे को ऐसा लगता है सबका अपना एक्सपीरियंस है, एंड जिसके साथ जैसा हुआ होता है वो इंसान अपने दिमाग में प्यार की वैसे ही एक ना पिक्चर बना लेता है. बट आई डोंट थिंक कि वो कोई स्टीरियोटाइप कर लेना चाहिए, बिकॉज आई जस्ट लाइक आई सेड, प्यार आपके अंदर ही है. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल इमोशन अगर आप उसको उस नजरिए से देखें तो. ओवर टू यू. मेरे को ये लगता है कि प्यार इट्स शुड नॉट बी मिस रिलेटेड विद रिलेशनशिप्स, बिकॉज आई हैव रिटन सो मेनी लव सॉन्ग्स एंड कई लोगों को मैंने अपने गाने सुनाए, मेरी पोएट्री सुनाई, एंड जी दे कुड रिलेटेड विद कि यार मेरे को अपना कोई रिलेशनशिप याद आ गया. दो, आई लव माई आर्ट वर्क, आई लव माई म्यूजिक, आई लव राइटिंग, एंड वो राइट सारी इमोशंस व्हेन आई डिलीवर तो दूसरे बंदे को लगता है कि ही गेट कनेक्टेड विद इट, एंड वो फिर कहता है कि हाँ यार ये तो मेरे साथ भी हुआ है, आई कैन फील इट कि आप बात भी कर रहे हो, आप मतलब व्हाट यू हैव राइट रिटन, इवन इफ इट इज इन मेटाफोर, राइट? तो या देयर आई कैन कनेक्ट व्हाट लव इज, एंड इट इज अनकंडीशनल, बिकॉज प्यार आपको अपने आर्टवर्क से हो सकता है, अपने पेरेंट्स से हो सकता है, एंड एब्सोल्युटली एक बार कोई अच्छा दोस्त बन जाता है तो दोस्त से भी हो जाता है, एंड दैट्स आई थिंक प्रीटी इट्स मच योर इट. कम्फर्ट विद समबडी. अगर आप किसी इंसान के साथ बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं या आपका खुशी का स्रोत है वो इंसान, तो कहीं ना कहीं वो एक प्यार का जो जन्म है अपने आप हो ही जाता है. दैट्स ट्रू. मैंने एक सॉन्ग भी लिखा है रिसेंटली, एंड इट इज अबाउट मैंने देखा है एक सपना इन आंखों में, तुम ही हम सफर अरे क्या. वाह. सो आर यू गोइंग टू प्ले समथिंग फॉर एवरीवन और करूं क्या ऐसा? ओके कर सकते हैं आप, व्हाई नॉट, इफ यू फील लाइक यू कैन डू दैट. मैं अपने पियानो के साथ ही बैठा हूँ, आई कैन शो दिस इज माय. दैट्स सो लवली. थैंक यू. कुछ ना कुछ बिकॉज चलते ही रहना चाहिए क्योंकि लोग चलते आते रहना जाते चाहिए. हैं ना, एंड क्या रिसेंटली टॉपिक चल रहा है? मनीष पूछ रहे हैं. मनीष, प्यार का टॉपिक चल रहा है, अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं तो मैं लाइव रिक्वेस्ट ले रही हूँ आज. हाय प्रतीक, हाय दीपक. कुछ ऐसी है विच आई हैव रिटन, एक पैरा गाता हूँ. क्या मिला किसी को दर्द दे के कभी, दूर ही हम सही पर करीब. हाँ अलग है बोली अपनी भाषाएं भी, प्यार की पर कोई भाषा नहीं. क्या बात है, वाह वाह. हो ऐसा एक सपना है देखा भी, ऐसा एक सपना तुम भी देखो कभी, मैंने देखा है एक सपना आँखों में, तुम ही हम सफर प्यार की राहों के तारों से कहूँ टूट जा और मांग लूँ मैं तुझे, तारों से कहूँ टूट जा और मांग लूँ मैं तुझे, मैंने देखा है एक सपना आँखों में. That's really nice, man. That's really good.
भाई बढ़िया, लॉकडाउन के मजे हो रहे हैं, मतलब अच्छी क्रिएटिविटी चल रही है, गाने चल रहे हैं सब। या बस थोड़ा बहुत आई एम राइटिंग, और वो भी थोड़ा सा कोशिश कर रहा था लव से हटके लिखूं, बिकॉज पर्सनली आई हैड वेरी बैड रिलेशनशिप्स इन पास्ट, कुछ खास मेरा आई गेट इट, आई गेट इट। जब भी मैं बट ठीक है, टू ईच हिज ओन यार। हाँ, जब यार दोस्तों में गाता हूँ कहता भाई तुम्हें दर्द तो मिला है, पर कितनी लड़कियों ने दर्द दिया ये बताओ। I know, वो कौन से डायलॉग है रॉकस्टार का, ये ना कि दर्द से आता है टैलेंट एकदम ना, ऐसा मुझे भी लगता है। That is just a फिल्मी मसाला। But you know, somewhere you have to have that as an artist, I would say, एक इमोशन आपके अंदर होना चाहिए, तभी आप उसको, you know, how would you come to that point until unless आपने वो चीज फील नहीं करी हुई, आप फील कर पाते हो उस चीज को तो वो बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हो। But sometimes you can characterize. You don't have to get into the mud to know what is dirt. I know that. Yeah. So that's it. That's and good. कुछ देखो जैसे कि मेरे characterization पे मैंने कुछ poems लिखी हैं, which is about कि अभी दिल्ली में कुछ riots हुए थे, तो मेरे पास कुछ artists के calls आते हैं, तो मैंने कहा कि भाई तुम बाहर बाहर तो जा तो नहीं रहे? वो कह रहे सर मेरे को रोज आते हैं लोग कि आओ चलो वहाँ पे चलेंगे, हम रैली में चलेंगे, बट मैं एक बार भी नहीं गया। वो छोटा सा बच्चा था और मैं समझ पा रहा था उसको कि इस उम्र में हम लोग स्कूल जाते थे और बहुत आइसोलेट होके जाते थे, लाइक बस में या फिर घर वाले ही छोड़ के जाते थे, ताकि स्कूल के बाहर क्या हो रहा है हमें पता भी ना लगे। बट जब किसी घर के आसपास ही हो रहा है तो इट्स रियली हार्ड टू इग्नोर व्हाट इज गोइंग ऑन, एंड जब ये हो गया इट बिकम्स अ बैड मेमोरी एंड इट स्टेज इनटू योर हेड कि ऐसा भी कभी कुछ हुआ था। तो आई जस्ट रोट समथिंग, मैं अगर आप इजाजत दो तो मैं सुनाऊं, क्योंकि इट इज लव बट समवेयर इट इज अबाउट केयरिंग। तो टाइटल इज आई नो व्हाट राइट इज, RIOT, राइट मतलब दंगे, व्हाट राइट इज एंड व्हाट राइट इज, व्हाट इज माय फंडामेंटल राइट, राइट देयर आई एम गोइंग। सो आई चोज टू स्टे होम because I am not one of those. I chose to stay calm because that's the need of the hour. It's my choice and I appreciate choices. It's my way and I chose to ignore all those voices going around my head. Yeah. I never heard what they said. मैंने इससे पहले कभी नहीं सुना वो क्या कह रहे हैं, जो भी जिस वजह से भी बात रही। I know what right is. I know what right is. I'm not gonna throw pebbles. I'm not gonna spread the hate. It's not that I'm afraid of bullets, but I know what right is, what right is. Differences has always been there. There was no such time as the good time. It's just we humans and how we reacted time over time. Yeah. But there is a thing called friendship. All we need is a cool down time. Let's first understand each other's language. Maybe together we can rhyme. That's nice. That's good, yeah. Something to hate, right? But I don't choose to throw pebbles on the officer's duty bound. I will be a better person, rare to be found. I might not know everything, but I know what right is, what right is. Patience is all we need for big things to achieve. There are no shortcuts, please. Like a ripened fruit falls from the tree itself. It's not bitter, it's sweet. We are young. And we might be stronger to defeat the olds. But we need some patience and live to grow that old. Sometimes we can run, but we need to hold. Sometimes we can be a rebel, but listen what is told. I might not know everything yet, but I know what right is,
what right is. It's not that I'm afraid of bullets. I ain't want no killing, no bloodshed. At least I know what right is. Right is. Right is. That's nice, sir. नहीं पता होना चाहिए यार, बहुत सेंसिटिव इश्यूज चल रहे हैं अभी एंड आई थिंक वन मस्ट रेज अ वॉइस बिकॉज आप अपनी ओपिनियंस को वॉइस नहीं करेंगे देन हाउ वुड पीपल गेट टू नो अबाउट इट. आई रियली अप्रिशिएट यू रोट रियली वेल एंड आई एम इम्प्रेस्ड. थैंक यू फॉर जॉइनिंग एंड आई विल अगेन टॉक टू यू. बाय बाय एंड सब्सक्राइब लॉग ऑन टू www.chankards.com एंड लाइक ऑलवेज स्प्रेड लव एंड this I learned from K-pop. Thank you, Changi. Love to talk to you. Thank you so much. Bye. Yeah.